हेलो क्लास सिक्स, यस्टरडे आई हैड सेंड यू द वीडियो ऑफ दिस लेसन मोशन ऑफ द अर्थ एंड आई हैड एक्सप्लेन यू रिवॉल्यूशन एंड द अनइक्वल डेज एंड नाइट्स हाउ इट अकर्स ओके इन सदर्न एंड नॉर्दर्न हेमस्फियर. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड. ओके द पोर्शन ऑफ द अर्थ विच इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन रिसीव्स मोर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन. मीन्स द पोर्शन ऑफ द अर्थ विच इज़ टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, जो सन की तरफ टिल्टेड है. इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि इट इज़ टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, तो यहाँ पर आपकी सनरेज ज़्यादा पड़ेंगी. ओके द अदर पोर्शन रिसीव्स मोर स्लैंटिंग रेज, और बाकी पोर्शन में आपकी जो सनरेज से अवे है वहाँ पर स्लैंटिंग रेज पड़ेंगी. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या था कि द अमाउंट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज एट अ गिवन प्लेस कीप चेंजिंग थ्रू आउट द ईयर. ये जो आपकी सन रेज की इंक्लिनेशन है ये थ्रू आउट द ईयर चेंज होती रहती है. द अमाउंट ऑफ हीट दैट एनी प्लेस रिसीव्स डिपेंड्स ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज. अमाउंट ऑफ हीट मतलब कि कोई भी अगर अर्थ सरफेस पे कोई अगर कोई प्लेस पर्टिकुलर प्लेस पे हीट जो है वो डिपेंड करती है सन रेज पे. द अमाउंट ऑफ हीट इज़ ग्रेटर वेन द सन रेज आर वर्टिकल. सपोज अगर ये अर्थ सर्फेस है आपका, यहाँ पर सन रेज डायरेक्ट पड़ रही है तो यहाँ पर हीट ज़्यादा होगी. ठीक है, रादर देन द स्लैंट अगर द प्लेस विच इज़ रिसीविंग द स्लैंटिंग रेज. मीन्स देखो दिया हुआ है यहाँ पर, दिस इज़ मेनली बिकॉज द वर्टिकल रेज ऑफ द सन गेट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द स्मॉलर एरिया. मीन्स अगर छोटे से एरिया पे क्या होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है, इसलिए वो वहाँ पर हीट ज़्यादा डेवलप हो जाती है. वेयर एज द स्लैंटेड रेज गेट स्प्रेड ओवर अ वाइडर एरिया, और जो स्लैंटिंग रेज आती है वो वाइडर एरिया पे स्प्रेड हो जाती है. इस कारण से क्या होता है कि वर्टिकल रेज कॉज मोर हीटिंग रादर देन द स्लैंटिंग रेज. ठीक है, स्लैंटिंग रेज अगर पड़ रही है किस सरफेस पे तो वहाँ पर हीट कम होगी, लेकिन अगर बाकी वर्टिकल रेज पड़ रही हैं तो उस कॉन्सेंट्रेटेड होने के कारण उस एरिया में वो हीट ज़्यादा डेवलप करेंगी. इन द मॉर्निंग व्हेन द सन रेज आर स्लैंटिंग इट इज़ कूलर. जब बहुत एकदम अर्ली मॉर्निंग होता है तब सन रेज स्लैंटिंग होती है, इसलिए थोड़ा ठंडा रहता है मौसम. बट एज द डे एडवांसेस, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ने लगता है द सन रेज ग्रेजुअली बिकम मोर डायरेक्ट. सन रेज धीरे धीरे करके, क्योंकि सन अपनी पोजिशन चेंज करता है धीरे धीरे, तो वो आप उससे क्या होता है कि सन रेज एक टाइम पे सीधी पड़ने लगती हैं. You must have noticed that midday or noon is the hottest time of the day. इसलिए देखा जाता है कि दोपहर का समय बहुत गर्म होता है, क्योंकि उस वक्त सन बिल्कुल आपके ओवरहेड होता है एंड डायरेक्ट रेज पड़ती है अर्थ सरफेस पे. आफ्टर दिस द सन रेज ग्रेजुअली बिकम स्लैंटिंग अगेन. फिर धीरे धीरे जैसे पोजिशन चेंज होता है तो उसकी रेज स्लैंटिंग होने लगती है. दैट इज़ वाई द टेम्परेचर स्टार्ट फॉलिंग एज इवनिंग कम्स. मीन्स सन पोजिशन नहीं चेंज कर रहा है, वो अर्थ आपकी ऐसे रोटेट कर रही है तो उसकी उससे क्या होता है सन की पोजिशन चेंज होती रहती है. ठीक है, इससे फिर वो उसकी रेज भी आपकी अलग अलग प्लेस पर अलग ढंग से पड़ती हैं एंड टेम्परेचर आपका स्टार्ट हो जाता है फॉलिंग एज इवनिंग कम, जैसे शाम होती है. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सीजन. द फोर सीजन्स कॉमन द वर्ल्ड ओवर आर समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग. द सीजन्स आर कॉज्ड बाय द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन. जैसे आपकी डेज एंड नाइट्स होती हैं वैसे आपका सीजन भी चेंज होता है सन के अर्थ की इंक्लिनेशन के कारण अपने एक्सिस पे, और उसके सन के सन के जो चक्कर काटती है अर्थ रिवॉल्व करती है उसके कारण भी. द सीजन्स आर मार्क्ड बाई चेंजेस इन टेम्परेचर. सीजन कैसे मार्क करते हैं हम लोग, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो समर है, कम है तो विंटर है, ठंडा पड़ रहा है मतलब विंटर है. ठीक है, फिर स्प्रिंग है, ऑटम है, इस तरह से हम लोग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और साथ ही साथ डेज एंड नाइट्स के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जो है समर टेम्परेचर मार्क करते हैं. बट प्लेसेज ऑन द इक्वेटर, जो आपकी इक्वेटर पे आपकी प्लेस है, चूँकि वहाँ पर सनरेज डायरेक्ट पड़ती है तो यहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं एंड हैव ओनली हॉट वेदर थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल जो है हमेशा गर्म रहता है. यू मस्ट हैव नोटिस दैट द सन रेज राइजेज एंड सेट्स फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स इन विंटर एंड समर. यू कैन नोट मतलब आपने नोटिस किया होगा कि सन राइज और सनसेट दोनों का टाइम डिफरेंट होता है विंटर और समर में. आपका जो है विंटर में सूरज देरी से निकलेगा, ठीक है, जल्दी सेट हो जाएगा. समर में जल्दी निकलता है, देरी से सेट होता है. मतलब दिन आपके लंबे होते हैं समर में, रातें छोटी हो जाती हैं. विंटर में रात लंबी हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं. तो ये आपने नोटिस किया होगा. यू कैन नोट द पोजीशन ऑफ द सनराइज़ इन लेट जून. अगर आप सनराइज़
की पोजीशन नोट करो जून में. आफ्टर दिस यू विल फाइंड दैट द पोजीशन ऑफ द सनराइज गोज ऑन शिफ्टिंग ऑन द हॉरिजन एवरी डे. धीरे धीरे करके इसकी पोजीशन शिफ्ट होने लगती है हर दिन. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज शिफ्ट टुवर्ड्स द साउथ. द सेमी सर्कल इन द फिगर रिप्रेजेंट्स, यहाँ पर एक ही आपका फिगर दी गई है, इसमें सन का हॉरिजन चेंज करते हुए दिखाया है कि नॉर्थन हेमिस्फीयर ये साउथ के एक्सट्रीम लिमिट तक जब पहुँच जाता है फिर उसके रेजेस कैसी अर्थ सरफेस पे पड़ती हैं किस ढंग से. ठीक है, ये चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं. द सेमी सर्कल इन द फिगर रिप्रेजेंट्स द स्काई विच लुक्स लाइक अ ह्यूज डोम टू अस व्हेन वी स्टैंड इन एन ओपन फील्ड एट वन पर्टिकुलर मोमेंट इन दिसंबर. दिसंबर में एक टाइम ऐसा आता है द सन का सीम्स टू रीच इट्स सदर्न मोस्ट पॉइंट इन द स्काई. इसकी सन जो है वो अपने सदर्न मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है. आफ्टर दिस इट बिगिंस इट्स जर्नी बैक टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब बैक नॉर्थवर्ड्स, मतलब साउथ के एक्सट्रीम लिमिट तक पहुंच जाएगा, साउथ तक पहुंच जाएगा, फिर ये अपनी जर्नी वापस शुरू करता है नॉर्थ की तरफ. ठीक है, तो ये आपका देखिए यहाँ पर जब नॉर्थ से साउथ की तरफ इसका हॉरिजन शिफ्ट हो रहा है तो ये आपका विंटर टू समर जा रहा है. ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से अभी अब वापस जर्नी शुरू करेगा तो ये आपका विंटर टू समर इधर इस तरफ पड़ेगा. मैंने इस तरह से आपके सन की पोजीशन चेंज होती रहती है. नेक्स्ट आपका दिया एट द एक्सट्रीम साउथ एंड नॉर्थ पोजीशन ऑफ इट्स जर्नी द सन सीम्स टू स्टॉप बिफोर चेंजिंग डायरेक्शंस. द मोमेंट और पोजीशन एट विच दिस हैपेंस, जब सन पोजीशन अपनी चेंज करना बंद कर देता है तो उस टाइम को हम लोग कहते हैं सोल्स्टिस, विच मीन्स सन इज स्टिल, इसका मतलब होता है सन रुका हुआ है. द सन्स हाइएस्ट पोजिशन एट नून इन द स्काई ऑल्सो वेरीज, सन की पोजिशन जब नून टाइम पे उसकी वो भी वेरी करती है. व्हेन अ पार्ट ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, जब अर्थ का कोई भी पार्ट सन की तरफ टिल्टेड है द सन अपीयर्स हायर इन द स्काई देयर देन व्हेन इट इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन. उस पोजिशन पे सन की रेज वर्टिकल पड़ेंगी बल्कि बाकी जगह जो उससे दूर है वहाँ पर स्लैंटिंग रेज जाएंगी. आप फिगर 4.8 में ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हो कि जो पार्ट सन की तरफ टिल्टेड है, जैसे ये पार्ट आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देख लीजिए, यहाँ पर सन रेज वर्टिकल पड़ेंगी रादर देन द सदर्न हेमिस्फीयर. ये यहाँ पर जितनी भी जगह आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या अंटार्कटिक सर्कल पे है यहाँ स्लैंटिंग रेज जा रही है, यहाँ वर्टिकल रेज जा रही है. तो और एक चीज़ आप देख सकते हो, इक्वेटर चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ है इक्वेटर, लेकिन हर जगह सन की रेज वर्टिकल है इसलिए इक्वेटर की प्लेसेस गर्म रहती हैं. और यहाँ जो प्लेसेस आपकी आ रही हैं अभी इस वक्त नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहाँ पर सन रेज वर्टिकल पड़ रही हैं तो ये प्लेसेस आपकी अभी गर्म है. डे टाइम यहाँ पर लंबा होगा और रातें छोटी होंगी. ठीक है, टिल्टेड अवे फ्रॉम, लुक एट फिगर 4.8. व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन द रेज ऑफ द सन आर क्लोज टू वर्टिकल ऑन दिस हेमिस्फीयर, अभी मैंने समझाया, एंड द डेज आर लॉन्गर. दिस मीन्स दैट इट रिसीव्स मोर हीट एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा हीट रहेगी और लंबे समय के लिए. एज अ रिजल्ट इट इज़ समर इन दिस हेमिस्फीयर, तो इस हेमिस्फीयर में अभी समर सीजन माना जाएगा. देखो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सीजन मार्क हो रहे हैं. द सन ऑल्सो अपीयर्स हाई इन द स्काई एंड मोर टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑन द हॉरिजन. ऑन 21 June द सन रीचेज इट्स हाइएस्ट एंड नॉर्दर्न मोस्ट पोजिशन इन द स्काई एट नून. दिस मोमेंट इज कॉल्ड समर सोल्स्टिस. एट द समर सोल्स्टिस द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अभी मैंने दिखाया ना डायग्राम में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ही डायरेक्टली पड़ रही है रेज. तो क्या है दिस मोमेंट एट कहाँ चला गया, हाँ, ऑन द डे ऑफ द समर सोल्स्टिस द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ द हाई लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आपके डेज लॉन्गर होंगे एंड नाइट शॉर्टेस्ट होंगी. व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन देन व्हाट हैपेंस, द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटेड ऑन इट, स्लैंटिंग रेज पड़ती हैं एंड द डेज आर शॉर्टर. दिस मीन्स दैट इट्स इट रिसीव्स लेस हीट, यहाँ पर अब हीट कम जा रही है एंड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, कम समय के लिए. एज अ रिजल्ट इट इज़ विंटर इज दिस हेमिस्फीयर, अब यहाँ पर ये आपका विंटर है. ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ऑन 22 December द सन रीचेज इज लोएस्ट एंड सदर्न मोस्ट पोजिशन इन द स्काई एट नून. दिस मोमेंट इज कॉल्ड द विंटर सोल्स्टिस. ठीक है, जब सन आपके लोअर मोस्ट पोजिशन में पहुँच जाता है तो उस एरिया में आप उस आपका प्लेसेस में विंटर सोल्स्टिस होता है. ठीक है,
एट द विंटर सोल्स्टिस द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. अभी यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दूर था, ठीक है, तो ये आपका समर सोल्स्टिस था यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. अभी रेस कहाँ पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ रही है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दूर है, तो यहाँ आपका विंटर सोल्स्टिस होगा, यहाँ पर आपका समर सोल्स्टिस है, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में. एट द विंटर सोल्स्टिस द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ऑन द डे ऑफ विंटर सोल्स्टिस द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ द शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट. अब यहाँ पर शॉर्टेस्ट डे हो गया और लॉन्गेस्ट नाइट हो गया, और यहाँ पर लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट हो गई आपकी समर सदर हेमिस्फीयर में. ट्वाइस इन अ ईयर 21 मार्च एंड 23 सितंबर, इन दोनों दिन में द सन अपीयर्स इन द स्काई एट अ पोजिशन मिड डे बिटवीन द सोल्स्टिस पोजिशन, देन द सन अपीयर्स डायरेक्टली ओवरहेड एट द इक्वेटर एट नून. These moments are called equinoxes. ठीक है, इस moment को हम लोग कहते हैं equinoxes when the sun is overhead the equator at noon. At an equinox, the earth axis is tilted neither towards the sun nor away from it. On the day of an equinox, the day and night are equal in length. Equal equinox means equal night. In the northern hemisphere, the equinox on 21st March में जो equinox पड़ता है is called the spring or the vernal equinox. एंड जो आपको 23 सितंबर में इक्विनॉक्स पड़ता है उसे हम कहते हैं ऑटम इक्विनॉक्स. अब देखो अभी सदर्न हेमिस्फीयर का क्या बताया, द सीजन आर अपोजिट टू दोज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आपका सीजन पड़ेगा वो सदर्न हेमिस्फीयर में उसके बिल्कुल अपोजिट सीजन पड़ेंगे. जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, अभी पढ़ेंगे, इट इज़ समर देयर वेन इट इज़ विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अगर सदर्न विंटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर चल रहा है तो आपका सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा. सो वेन इट इज़ समर इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका फॉर एग्जाम्पल, तो इंडिया में क्या होगा, उस टाइम विंटर चल रहा होगा. सिमिलरली वेन इट इज़ स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इट इज़ ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर. द डेट्स ऑफ द सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स ऑल्सो गेट इंटरचेंज. ठीक है, इन दोनों की डेट्स आपकी इंटरचेंज भी होती रहती हैं. फॉर एग्जाम्पल, समर सोल्स्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मीन्स एट द टाइम ऑफ समर सोल्स्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द सदर्न हेमिस्फीयर हैज़ इट्स विंटर सोल्स्टिस. सो हियर योर चैप्टर एंड्स. Now you have to do this define in your copy. I will send you the question answer. If you have any doubt, you can ask me in live classes. Thank you, children.